वर्ष 2012 नई आशाओं को लेकर आया है। आज हम महिला जिले की सबसे प्रमुख महिला या पहली महिला मधुर मेहता जी से बात करते हैं। 2012 में उनका क्या एजेंडा है और 2011 में ऐसे कौन से काम बाकी रह गए जो वो नहीं करवा पाए। 2011 में कौन से काम रह गए जो सोचा आपने कर पाए, एक कोई काम बताइए जो आपने सोचा वो नहीं कर। 2011 में अपने वो स्वच्छता अभियान में निर्मल ग्राम पुरस्कार, मेरी इच्छा थी कि एक साल में 10 दिन निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलने चाहिए, जबकि एक ही मिला। तो इससे क्या ज्यादा से ज्यादा निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलेंगे तो गांव में ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता होगी, उन लोगों को गंदगी नहीं होगी और लोग बीमार नहीं होंगे। ग्राम पुरस्कार की बात आप कर रही थे, जो अधिकारी डील करते हैं उनका कहना है कि फाइल डिस्पोजल में ही इतना समय लग गया कि हम लोग काम कर ही नहीं पा रहे हैं। वो मैंने बात कल परसों की थी, मैं आई थी ऑफिस में, मैंने 29 को की थी ये बात, तो उन्होंने कहा अभी आज हम फाइल भेज रहे काम, मैंने कहा जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। 3-4 गाँव है, उनका फोन भी आया हमारे गाँव में अच्छा काम हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी फाइल भेजिए, तो जिससे लोगों को अधिकारी हड़ंगा लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप कैसे रोकेंगे इसका पता करूंगी, निरीक्षण करूंगी। और इस 2012 की क्या योजना है, 2012 में क्या करना चाहते हैं आप? मैं 2012 में सरकार द्वारा चले जा रही कल्याणकारी योजना है, तो इस योजना का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए और गरीब लोगों को मिलना चाहिए, तो मैं समय समय पर जाकर निरीक्षण करूंगी कि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा तो मैं अधिकारी से बात करूंगी और समय समय पर जाकर निरीक्षण करूंगी। राजीव गांधी के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, बिल्कुल उन योजनाओं की प्रगति अच्छी नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? इस योजना की प्रगति अभी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो उस योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी कि जब तक ये राजीव गांधी सेवा केंद्र बंद तो गए हैं पर इसमें जो वो कंप्यूटर न लगने चाहिए वो अभी तक नहीं लगे और वो बने हुए पड़े, तो खंडर होने की स्थिति में आ जाएंगे, तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगी, इसे जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए तो अच्छा है, तो लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। मंत्री जी तो कहते हैं हमें पैसा दे दिया पूरा हर एक के लिए, फिर कहाँ रखा पैसा? अभी बीच में रुका हुआ होगा, कहीं कहीं रुका हुआ है। मंत्री साहब सही बात है, जयपुर से तो पैसा डायरेक्ट आ ही जाता है जिला परिषद में, अब अधिकारी को कहना पड़ेगा, अधिकारी से बात करेंगे, इनको टाइट करना पड़ेगा जब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कब तक करवा देंगे सर राजीव गांधी? आपके पास सिर्फ एक साल का समय बचा है सरकार को बचाने के लिए, सरकार की छवि को कायम रखने के लिए, आप क्या करेंगे सर इससे सरकार की छवि? मैं फील्ड में जाऊंगी और लोगों को जो योजनाएं है और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना होगा, कि मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, उनका भी संदेश है कि कोई भी बालिका है, कोई भी बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर जोर दूंगी और महिला को आगे लाने का और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगी। सारे आंदोलन शुरू कर रखा है पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार के अंदर ग्राम पंचायत से लेकर वार्डन से लेकर के ऊपर तक कैद बनी हुई है, बिल्कुल उसको तोड़ने की आप क्या? आप कह रहे हो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं भी समझ लूँ, पर छोटे लोगों के लिए तो अपन कह सकते हैं, पर बड़े लोगों के लिए अपन कैसे कह सकते हैं? तो बड़े लोगों के लिए रोकना होगा, ये भ्रष्टाचार नहीं होवे। वो नहीं 5 साल पुराने सचिव है तो वो क्या जाने अभी नए वाले, इनके लिए रिकवरी कैसे निकलेगी? इच्छा एक जिस क्षेत्र में काम अधूरा है और जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, तो पहली प्राथमिकता होगी कि उस क्षेत्र का काम मैं पूरी तरह से संपूर्ण करवाऊँ।